हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो जो है सारा काम हो गया है, शुभ संकेत को तो अब लाने का टाइम भी हो गया। काम करते करते पता ही नहीं लगता कि कैसे जो है पूरा टाइम निकल जाता है। और सारे टाइम ना मुझे जो है ये काम की वीडियोस बनाना वो भी अच्छा नहीं लगता कि आप सारे टाइम आप बर्तन धो रहे हो, खाना बना रहे हो, आप कुछ कर रहे हो तो आप वीडियो वगैरह बना के उसके अंदर डालो। ठीक है, जो चीज़ मतलब ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है ना सब करते हैं, कभी कभी ठीक लगता है, बट ये कि रेगुलर मेरे से नहीं हो पाता ये सब चीज़ें कि मैं काम करते वक्त वीडियो वगैरह शूट कर पाऊँ। हाँ, जैसे कभी हम कुछ डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो उसकी तो मैं मतलब बना देती हूँ, डाल देती हूँ, बट ये कि नॉर्मल अगर मेरे जो है डेली रूटीन का जो काम चल रहा है तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सारी चीज़ की वीडियो शूट करूँ और फिर मैं उसके बाद उसको चैनल में डालूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ें ना सब करते हैं तो इसलिए इतना वो ज़रूरी नहीं है कि उसको डाला जाए। सो अभी आप लोगों के साथ कुछ और भी शेयर करना था कि अभी थोड़ा सा कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी हम लोग ना बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो है क्या कहते हैं, बताएंगे हम आपको आगे चल के जो हमारे ब्लॉग्स आएंगे उसमें आपको पता लग जाएगा देख के कि प्रॉब्लम का रीज़न क्या है। और अभी काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है घर हमारा, इस वजह से जो है अभी हम लोग साथ में ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये और मैं इतना नहीं आ पा रहे, वरना हमारी शॉर्ट्स वगैरह में तो हम दोनों साथ में दिख ही जाते हैं और डेली के व्लॉग में भी जैसे बना ही लेती हूँ मैं, बट अभी आजकल थोड़ा सा सिचुएशन घर की ऐसी चल रही है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं बना पा रही हूँ। सो जब ठीक होगा सब कुछ तो उस टाइम पे मैं डालूंगी, मैं बनाऊंगी, वीडियो भी बनाऊंगी और डालूंगी भी, बट अभी थोड़ा सा मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ तो अभी मेरा भी खुद का सच बोलूँ पर्सनली इतना मन नहीं कर रहा। बट ये है कि हम लोग जो है यहाँ से जुड़े हुए हैं और आप भी हमारी फैमिली हो, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर भी हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे आए हैं और आपको हमने आपको अपनी फैमिली का हिस्सा माना है तो हमें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप नहीं कर पाते हो शेयर जो है हर किसी के साथ। करेंगे हम आपके साथ शेयर, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, बट अभी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसके बाद मैं जरूर यहाँ पर हम लोग बताएंगे, मैं और ये हम दोनों आएंगे चैनल पे और हम दोनों ही आप लोगों को बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्या रीज़न है जो मैं इस तरीके से बोल रही हूँ उस बात के लिए। सो जो है चलिए आप इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो है अभी मेरा जो है क्या क्या सामान आया है, मैंने अमेज़ोन से क्या चीज़ मंगवाई थी, अमेज़ोन से, मीशो से, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होती है, आया तो बहुत कुछ है, काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी टाइम पहले ही आ गया था सामान मेरे पास, बट यही है कि मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कहा अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। और शायद आप जब आगे ये वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम थी, और मतलब मेरे लिए तो शायद वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब आगे आप देखेंगे। चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो मैं मेन चीज़ दिखाने के लिए अभी आई, क्योंकि अगर शुभ संकेत स्कूल से आ जाएंगे ना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता फिर वीडियोस वगैरह बनाना इस तरीके की, क्योंकि क्या होता है ना उनकी वैसे ही घर फैला रहता है, जब तक वो जाते हैं आते हैं तब तक घर के काम खत्म हो भी नहीं रखे होते हैं और फिर उसके बाद और फैल जाएगा तो वो दोनों को तो बस मौका मिल जाता है, वो ना बहुत मेरी चीज़ों को ना छेड़ते हैं दोनों के दोनों, वैसे वो सबके घर में होता है मुझे पता है, सबके बच्चे करते हैं। सो मैंने ना ये अभी कुछ टाइम पहले अमेज़ॉन से मंगवाया था, लिंक इसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा नहीं यार अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ना मुझे इसको शेयर करना चाहिए। सो ये मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से वैनिटी बैग, लेकिन ये बैग ना मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हाँ बस थोड़ा रेट भी अच्छा है लेकिन हाँ उस रेट के हिसाब से मुझे ठीक लगा, क्योंकि क्या हो रहा था मेरा जो सामान था ना सारा इधर उधर पड़ा रहता था और कितनी बार ऐसा होता था शुभ संकेत के हाथ में सामान लग जाता था ना तो वो भी मतलब कुछ ना कुछ मतलब तोड़ताड़ दिया करते थे, इस वजह से मैंने सोचा कि मेरा ना इस वाले बॉक्स में ना पूरा सामान आ जाएगा अच्छे से। सो ये मैंने जो है अमेज़ॉन से मंगवाया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ओपन होगा। तो इसने यहाँ पर भी ना पॉकेट दे रखी है, ये टू पॉकेट्स हैं इसके अंदर, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। देन उसके बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है, ऐसे आप इसको थोड़ा सा ऊपर को उठाएंगे और ऐसे और इसमें ना बहुत स्पेस है, काफी सामान आ जाता है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे आपने अपना ज्वेलरी वगैरह रख लिया या लिपस्टिक वगैरह नेल पेंट रख लिया और यहाँ पे अंदर भी काफी सामान आ जाता है, तो मुझे तो अच्छा लगा ये क्योंकि स्पेस भी बहुत है। वो है अगर आप ऑफिस मतलब कुछ लोग वैसे प्रोफेशनली यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को तो वो लोग भी इसको बाय कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा है, स्पेस बहुत अच्छा है इसके अंदर सामान रखने के लिए। इससे क्या है ना कि जो है मेरा सामान ना फैला नहीं रहेगा और एक ही जगह मेरा सारा सामान आ जाएगा, और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ना ऐसे देखो बाहर आ जाता है और
अगर आपका ये बैग ना खराब हो जाए तो आप इसको धो सकते हो इजिली, ठीक है। देन इसको धोने के बाद इसके साफ सफाई करके वापस आप इसको ऐसे इसमें रख सकते हैं। क्वालिटी की बात करूँ ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लिंक मैं इसका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मैंने अमेजोन से मंगवा रखा है ये, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरा बैग मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो आप भी अपने लिए मंगवा सकते हैं, आप भी जो है इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। रेट वगैरह भी ठीक है, रिजनेबल है यार, इतने तक का तो जो है आ ही जाता है। बच्चे इससे अच्छा जो है हमारा सामान तोड़ ताड़ के एक तरफ करें, हमारा तो इससे अच्छा तो ये कि इस तरीके से आपने कुछ मंगवा दिया और उसके बाद आप उसको रख दो तो बच्चे जो है छेड़ते भी नहीं है अगर हम बच्चे को मना कर दें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।